देवी महाकाली। स्वामी, ये तो देवी महाकाली की हुंकार है। उमा, 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 उमा। चली गई, जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो समाधि की अवस्था में हो। उन्हें तो जैसे ज्ञात ही नहीं कि अभी यहाँ क्या घटा है। माता, माता, आप इतना भारी कलश उठाकर लाने का कष्ट क्यों कर रही हैं? दीजिए, मुझे दीजिए। नंदी जी, शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए जल तो मैं स्वयं ही लाती हूँ। आप और अन्य गण यदि मेरी सहायता करना चाहते हैं तो आप होलिका दहन की पूजा की तैयारियां प्रारंभ कीजिए। इस बार उत्सव में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो आज्ञा माता, उचित रहेगा। माता, मुझे स्मरण हो आया, गणेश जी आपको ढूंढ रहे थे। कदाचित वो आपके पीछे पीछे भी गए थे। पुत्र गणेश, किंतु मैंने तो उसे लौटते समय नहीं देखा। कोई बात नहीं, आप अपनी पूजा पूर्ण कीजिए। वो यहीं कहीं होंगे। मैं उन्हें शीघ्र ढूंढकर आपके पास भेजता हूँ। स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? मैं गणेश की चिंता समझ सकती हूँ, क्योंकि स्वयं मैं भी चिंतित हूँ। हाँ प्रिय, गणेश का चिंता करना स्वाभाविक है, क्योंकि देवी पार्वती में आने वाले परिवर्तन किसी बड़ी घटना का संकेत है। बड़ी घटना? कैसी बड़ी घटना स्वामी? अब ऐसा क्या होने वाला है? जगत जननी की लीला को समझ पाना तो मेरे लिए भी संभव नहीं है, किंतु इतना स्पष्ट है कि शीघ्र ही हम जगत जननी के एक बड़े अवतार से परिचित होने वाले हैं। संसार को एक बड़े संकट से टालने के लिए जगत जननी के एक बड़े अवतार का आविर्भाव होने वाला है। सत्य कहा स्वामी आपने। जगत जननी जो भी करेंगी उचित ही करेंगी, किंतु कल होली का अवसर है। देवी पार्वती की लीला के पूर्व हमें कैलाश में होली देखने को अवश्य मिलेगी, और वो भी इतने लंबे अंतराल के बाद। तोतला जी, क्या कर रहे हैं आप? आप ये सूखे पत्ते क्यों उठा रहे हैं? अरे तोतला जी, सूखे पत्ते नहीं, सूखी लकड़ियां और सूखी टहनियां उठाइए। तोतला जी, स्मरण रहे, माता ने सभी तैयारियों का प्रबंध मुझ पर छोड़ा है, इसलिए सब कुछ सर्वथा उचित होना चाहिए। अब मुंह क्या देख रहे हैं आप? छोड़िए इन पत्तों को, उठाइए कुछ टहनियां। तीते तीते तीते, ये लीजिए, तोल लिया। तुतला जी, आप क्या कर रहे हैं? सारे पत्ते मेरे ऊपर डाल दिए। मुझे ज्ञात है सब कुछ आप जानबूझ के कर। अरे शांत शांत शांत, क्या बालकों के समान लड़ने लगे आप दोनों?
हाँ, माता ने हमें एक कार्य सौंपा है और हमें उसे उचित प्रकार से करना है, उसी पर ध्यान दीजिए आप दोनों। चलिए। आप सभी ये क्या कर रहे हैं? गणेश जी, हम होलिका दहन के लिए लकड़ियां एकत्रित कर रहे हैं। इतने वर्षों के बाद कैलाश पर होली का उत्सव मनाया जाएगा। पिछले कई वर्षों से कैलाश से दूर रहने पर विवश थी माता पार्वती। माता कैलाश पर ना रहे तो कैलाश से सब रंग दूर हो जाते हैं, नीरस हो जाता है कैलाश। इसीलिए महादेव ने भी माता के यहाँ ना होने पर होली का उत्सव नहीं मनाया। इस बार उत्सव होगा जिसको लेकर हम सभी गण अति आनंदित हैं। नंदी जी ने उचित ही कहा, माता कैलाश से दूर होती है तो कैलाश से सभी रंग दूर हो जाते हैं, नीरस हो जाता है कैलाश। कहीं ऐसा तो नहीं कि माता पुनः कैलाश से कहीं दूर जाने वाली है? मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, किसी अज्ञात अनिष्ट की आशंका मुझे चिंतित कर रही है। क्या हो रहा है ये माँ को? मैं विश्वास तो नहीं करना चाहता, किंतु मुझे आभास अवश्य हो रहा है कि ये किसी बड़े संकट का ही संकेत तो नहीं। बहुत आनंद आएगा कैलाश में होली के इस उत्सव में। स्वादिष्ट भोजन होंगे और सभी गंधर्व मित्र एक साथ एकत्रित होंगे। और इस बार तो गायन स्पर्धा मैं अवश्य ही जीतूंगा, और इसके लिए मैंने एक नवीन राखी रचना भी की है। कोई टिक नहीं सकेगा मेरे समक्ष, देख लेना। अच्छा, तो हमें भी सुना दो अपना राग। हाँ, अगर हमें भाग गया तो विजय हो गए समझो, सुनाओ। चलो ठीक है, यदि आप सब कह ही रहे हो तो मैं सुना ही देता हूँ। हाँ, हाँ, सुनाओ ना। अपना राग हमें। हाँ हाँ सुनाओ। किसका स्वर है ये? किसने मेरा ध्यान भंग किया? अरे ये क्या आ रहा है? ये क्या क्या आ रहा है ये? इससे अपनी रक्षा कैसे करेंगे हम? ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। कौन है यहाँ पे शत्रु? किसने किया है हम पर आक्रमण? ऋषि दुर्वासा, मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? भागो, अन्यथा मेरे शाप के भागी बनोगे। भागो, 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 भागो। तोतला जी, तोतला जी,
आंधी, मैं जौ ले आया हूँ, परंतु आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं क्या कर रहा हूँ? अरे क्या पूतले हैं आप? अरे मैं उतले लदाला उतले, और ये तो तादालन ताले नहीं है, तलल ताले नहीं है। क्या 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 तुपले तरल, ये कह क्या रहे हैं आप? होलिका दहन की तैयारी करने के लिए कहा था ना आपसे। अरे नंदी जी, तोतला जी कह रहे हैं कि ये उपले लगा रहे हैं, ये कोई सलरकार नहीं है। यही तो मैं बोल रहा हूँ। उचित है, उचित है। वैसे इनको समझना भी सरल कार्य नहीं है। बिल्कुल सही कहा नंदी जी। तोतला जी, हमारे पास अधिक समय नहीं है, तो कृपया करके अपना कार्य शीघ्र पूर्ण कीजिए। प्रणाम माता, प्रणाम महादेव। नंदी जी, आपने तो बहुत उत्तम व्यवस्था की है, मन प्रसन्न हो गया। धन्यवाद माता। उमा, पूजा प्रारंभ करो। अवश्य स्वामी, किंतु पुत्र गणेश कहाँ है? भविष्य में ऐसा क्या घटित होने वाला है जिसके कारण मुझे माता के काली रूप के दर्शन हुए? पुत्र गणेश। पिताश्री आप? मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम्हारे मन में कोई चिंता है। कहो पुत्र, जो भी तुम्हारे मन में है निसंकोच कहो। पिताश्री, मेरी चिंता का कारण तो आपको भी ज्ञात है। कुछ समय से माँ बहुत असहज रही है, और आज जब माँ मानसरोवर से जल लेने गई थी तो मैं उनके पीछे ही था, और तब मैंने देखा पिताश्री की माँ। माँ को ये क्या हो रहा है पिताश्री? समय का चक्र सदैव नियति द्वारा निर्धारित गति पर गतिमान रहता है, जिसके कारण समय समय पर जगत कल्याण के लिए हम सभी की एक अद्भुत लीला होती ही रहती है। और मुझे प्रतीत हो रहा है अब तुम्हारी माँ की भी एक अन्य लीला का समय आ गया है। लीला? समय आ गया है? हाँ पुत्र, समय आ गया है पार्वती के सबसे महान श्री महाकाली अवतार के आविर्भाव का। श्री महाकाली अवतार? हाँ पुत्र, संसार में जो भी घटता है उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है। असाधारण परिस्थितियों में भी असाधारण उपाय आवश्यक हो जाते हैं। तुम्हारी माता आदिशक्ति जगत जननी पार्वती के श्री महाकाली रूप में अवतरित होने का भी एक महान उद्देश्य है। तो इसलिए पुत्र, जो हो रहा है हमें वो होने देना होगा। हमें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि ये सब लोक और जन कल्याण के लिए ही होने वाला है। इसलिए अब मेरे साथ आओ पुत्र, तुम्हारी माता होलिका दहन की पूजा प्रारंभ करने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जो होगा वो उचित ही होगा, किंतु अभी तो होली के उत्सव का आनंद लेना चाहिए मुझे। चलो पुत्र। ओम महागणपते नमः। पिताश्री, होलिका तो हिरण्यकश्यपु की बहन थी ना, जिसके कहने पर वो भक्त प्रहलाद को अपने अंक में लेकर जलती चिता में बैठ गई थी। हाँ पुत्र, होलिका दहन की प्रथा तभी से आरंभ हुई, भक्ति और विश्वास के महत्व को उजागर करती है ये प्रथा। भक्त प्रहलाद की भक्ति अपने ईष्ट के प्रति इतनी अटूट थी, इसलिए प्रहलाद को अग्नि से कोई हानि नहीं हुई। वहीं होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसके अंग वस्त्र को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगी, किंतु समय आने पर उसके अंग वस्त्र ने प्रहलाद की रक्षा की और बुराई की प्रतीक होलिका भस्म हो गई।
होलिका दहन का समय हो गया है। पुत्र कार्तिके, होलिका को अग्नि तुम दोगे। जो आज्ञा मां। आज्ञा दीजिए पिताश्री। पुत्र कार्तिके, पुत्र गणेश, होलिका दहन का विधान तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। होलिका की चिता प्रज्वलित होना सभी बुराइयों के अंत का प्रतीक है। बुरे कर्म, बुरे विचार और बुरे व्यक्ति सभी होलिका दहन के साथ पराजित हो जाते हैं और विजय मात्र अच्छाई की ही होती है। इसलिए होलिका दहन जीवन में नवीन आरंभ का भी प्रतीक है। पुत्र कार्तिके, अब होलिका को अग्नि दो। पुत्र कार्तिके, पुत्र गणेश, गेहूं, जौ और सरसों को अपने हाथों में लो। स्वामी, आप भी इसे अपने हाथों में लीजिए और अग्नि में अर्पण कीजिए। नंदी, स्वयं को रोको मत। तुम्हारी इच्छा नृत्य करने की है तो तुम भी कर सकते हो। जो आज्ञा महादेव, मैं भी करता हूं। हर हर महादेव, होलिए! हर हर महादेव! इतना दुस्साहस इस वृक्ष का अपनी ध्वनि से मेरे ध्यान को भंग कर रहा है। कितना सुंदर दृश्य है ये, सभी कितने आनंदित हैं। अरे माँ, वो देखिए। अरे गणेश माँ, अरे अरे रे गणेश, ये क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ खींच रहे हो? आइए ना भैया, कितना आनंद आ रहा है, आइए ना। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। नाथ, ये पुत्र कार्तिके और पुत्र गणेश की प्रथम होली है और वो भली भांति इसका आनंद भी उठा रहे हैं। उमा, मेरी दृष्टि तो तुम पर ही टिकी है, क्योंकि अपने पुत्र को होली का उत्सव मनाते देखते हुए तुम कितनी आनंदित दिख रही हो।
आनंद ही आनंद का संचार हो रहा है इस होली में। माँ कितनी अच्छी लग रही है, मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। महाकाली के रूप में मैंने कहा था ना पुत्र, संसार में जो भी होता है उसके पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होता है। यदि तुम्हें अपनी माँ में देवी महाकाली की छवि दिखाई दे रही है तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है पुत्र। जी पिताश्री, चिंता नहीं करूँगा मैं। माँ के श्री महाकाली के रूप में प्रकट होना अवश्य बहुत बड़ी लीला का संकेत है। अनुज गणेश, ये क्या तुमने मुझे, नंदी जी और अन्य गणों को परिक्रमा के लिए प्रेरित किया और स्वयं यहाँ जड़ होकर खड़े हो गए? कोई बात नहीं, आओ, माँ बुला रही हैं। माँ भी होली का आनंद ले रही है। आज होलिका दहन की पूजा है, कल रंगोत्सव होगा। रंगोत्सव? उसमें तो और भी आनंद आएगा। कैलाश के इस रंगोत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवताओं को आमंत्रित कर ले। पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश के साथ नंदी जी और अन्य गण भी जाएंगे। माँ, हम तो झूमटा निकाल कर झूमते हुए जाएंगे और इसमें तो मुझे बहुत आनंद आएगा। गणेश, देवी देवताओं को आमंत्रित करना गंभीर कार्य है, इसमें हमें विधिवत शिष्टाचार का पालन करना होगा। ओहो भैया, हम देवताओं को यहाँ युद्धोत्सव का नहीं रंगोत्सव का निमंत्रण देने जा रहे हैं, तो वो भी आनंददायक ही होना चाहिए ना, और अद्भुत भी मेरे समान। गणेश तो आनंद के रंग में ही रंगा हुआ है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, अनुमति हो तो मैं कुछ सुझाऊं? अवश्य नंदी जी। प्रथम पूज्य यदि सभी को आनंद मग्न करना चाहते हैं तो वही होगा। तो अब प्रेम पूर्वक आरंभ कीजिए। हर हर महादेव। नाथ, आपने ये गीत के स्वर सुने? कौन गा रहा है ये? तुम्हारे दोनों भांजे प्रिय, दोनों यहाँ आ रहे हैं और आनंद मनाते हुए, और नटखट गणेश के मन से मैं तो भली भांति परिचित हूँ। कदाचित मुझे मेरे शंख का ध्यान रखना होगा, अन्यथा पूर्व की भांति कहीं गणेश मेरा शंख ही चुरा कर ना ले जाए। जी, प्रणाम मामी जी। होली है, होली है, होली है। मामा जी एवं मामी जी, आप दोनों इस उत्सव में सम्मिलित होने आएंगे ना? अवश्य। होली है, होली है। ऐसा क्या उत्सव है
जिसके कारण बार बार मेरे ध्यान में विघ्न डाला जा रहा है। बस बहुत हुआ, क्योंकि अब जो होगा उसका परिणाम भुगतने के लिए वो तत्पर रहे। उत्सव का आयोजन यदि पूरे मर्यादा और परंपरा के साथ किया जाए तो उसका आनंद दोगुना हो जाता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।